देव स्टेट के राजा जगन्नाथ ने रानियों को नहाने के लिए देवगढ़ से आधे किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब बनवाया था, जिसे रानी तालाब के नाम से जाना जाता है। राजतंत्र में जमींदारी प्रथा उच्छेद कर लोकतंत्र का गठन किया गया। जनता ने सोचा कि लोकतंत्र में उनकी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देव के समाज सेवियों ने कई बार इस रानी तालाब को जल जीवन हरियाली के तहत साफ सफाई कर छठ घाट का दर्जा देने की मांग की। कई वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं। इस तरह सरकारी उदासीनता का दंश झेल रहा है रानी तालाब, अपने ही हालात पर आंसू बहा रहा है। यहां देव स्टेट के राजाओं के द्वारा प्रजाओं के लिए एक कुआं का भी निर्माण कराया गया था, लेकिन वो भी बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। छठ मेला ग्राउंड के मध्य अवस्थित रानी तालाब के कोर पर शिव शक्ति मंदिर भी है, जहां बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से देव स्टेट के जमींदार लोगों द्वारा भैंसे की बलि देकर काली माता की पूजा की जाती थी। पर बेशकीमती इस मूर्ति को एक बार चोरों ने चुरा लिया था। लोकतंत्र गठन के बाद देव के समाज सेवियों ने मिलकर मिट्टी की प्रतिमा स्थापित कर माँ काली की पूजा क्रमागत रूप से चालू रखी। इस मंदिर के चार दीवारी के बगल में रानी ब्रजराज कुमारी का भी स्मारक लगाया गया है। बता दें आपको कि इसी स्थल पर छठ मेला का आयोजन किया जाता है और छठ व्रतियों को ठहरने के लिए स्थायी रूप से कपड़े का शेड बनवाया जाता है, जहां हजारों छठ व्रतियां ठहरते हैं। लगभग दो वर्ष पहले देव ब्लॉक द्वारा यहां एक शौचालय भी बनवाया गया था, जो भी रखरखाव न होने के कारण खराब हो गया। छठ महापर्व में बहुत सारे पदाधिकारी गण यहां आ रहे हैं, फिर भी वे इस शौचालय को अनदेखा कर चले जा रहे हैं। लगता है देव नगर पंचायत भी इसके प्रति विमुख रवैया अपनाया हुआ है। देव के समाज सेवी संगठन जनेश्वर विकास केंद्र, देव पर्यटन विकास केंद्र, जिला मेला आयोजन समिति द्वारा छठ महापर्व में भी इस ऐतिहासिक रानी तालाब का साफ सफाई ना करने की घोर निंदा करता है। समाज सेवी सिद्धेश्वर विद्यार्थी दीपक गुप्ता, रामधारी गुरुजी, कृष्णा दुबे, संजय मेहता, निखिल कुमार, कुंदन सिंह, नंदकिशोर मेहता ने कहा कि सूर्यकुंड तालाब में भीड़ के कारण संकुचित हो जाती है, इसलिए भीड़ से निजात पाने के लिए इस ऐतिहासिक रानी तालाब को साफ सफाई कर छठ घाट का दर्जा देने की मांग की है।